बेसिक जापानीज लैंग्वेज को सीखते समय सबसे पहली और सबसे मुश्किल चैलेंज जो N5 के स्टूडेंट्स को आता है वो है कोरे और कोनो में डिफरेंस। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही मैं कहूँगा बेसिक सी चीज़ है। एक बार आप एक हिंदी के एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए हिंदी से तो वैसे भी बहुत मिलती जुलती है, कोरे और कोनो में क्या डिफरेंस है ये सीखने में जो जितना टाइम यूरोपियंस अमेरिकन्स को या फिर सिर्फ इंग्लिश स्पीकर्स को लगेगा वो हम हिंदी स्पीकर्स को उसका आधा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि। देखिए डिफरेंस समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली इनका मीनिंग क्या होता है। जिन लोगों को मीनिंग पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो ये समझे कि मीनिंग क्या होता है और साथ में जो डिफरेंस होता है उसको भी आप तभी समझ पाएंगे जो जिस तरह से हम हिंदी में एग्जाम्पल देके बोलते हैं ये कार अच्छी है और ये अच्छी कार है। तो इस तरह से बस इतना ही डिफरेंस होता है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको जापानीज लैंग्वेज में कैसे किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। कोरेवा वाताशी नो होन देस। तो देखिए पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। कोरे सोरे आरे ये होते क्या है। कोरे मतलब ये जो चीज मेरे पास है, सोरे का मतलब होता है ये जो चीज सामने वाले के पास है यानी लिसनर के पास है, और आरे का मतलब होता है वो जो चीज हम दोनों से बहुत दूर है। हालांकि इतना दूर पास का सिस्टम ना भी समझ के अभी आप सिर्फ दिस दैट ये समझें तो भी आपका बड़े आराम से काम चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो दिस इज माय बुक, कोरेवा वाताशी नो होन देस। इसी तरह से सोरेवा तनाका सान नो कुरुमा देस, दैट इज मिस्टर तनाकास कार। तो देखिए ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करके सिखा के मैं आपको, मतलब मेरा ये टारगेट नहीं है कि इनको ट्रांसलेट करके आपको कुछ सिखाऊं। असली जापानीज लैंग्वेज सीखने का जो तरीका होता है वो होता है कि जैसे यहाँ पे 12 सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो आप मेरे पीछे इसी स्पीड में एक बार बोलने की कोशिश करिए। कोरेवा वाताशी नो होन देस, सोरेवा तनाका सान नो कुरुमा देस, आरेवा निहोन नो कामेरा देस। तो देखिए अगर आपको ये लगे कि हाँ ठीक है मैं बोल लूंगा मुझे समझ तो आ ही रहा है, तो ये चीज बस हटानी है आपको। आपको रोबोटिक वे में पूरी कोशिश करके उस चीज को एक बार अपने आप अपने मुंह से वैसा बोलने की कोशिश करनी है। देखिए एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि कितना भी आप जापानीज लैंग्वेज को मनी मन सीख लें, पढ़ के सीख लें, जब तक आप उस चीज को बोलेंगे नहीं खुद तो वो असली कॉन्वर्सेशन में निकल के नहीं आएगी। चाहे वो आपको पूरी अच्छी तरह से आता है, ग्रामर आती है, वोकेबलरी आती है, पार्टिकल्स आते हैं, एक्सप्लेनेशन सब पता है, मीनिंग पता है, लेकिन वो चीज जैसे अगर एक अचानक जापानीज हमारे सामने आ जाता है और बोलता है योरुशिको निगाशिमास, तो हमारे मुंह से निकल ही नहीं पाता कि उसको रिप्लाई भी वही होगा योरुशिको निगाशिमास। मतलब मैंने ये काफी देखा है स्टूडेंट्स में, तो इसलिए बार बार मैं इस चीज को अर्ज करता हूँ। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में मैं आपको ये बोल के बता रहा हूँ, तो जब भी पॉज आता है तो आप भी उसको उस लाइन के बाद बोलने की कोशिश करिए। फोर्थ लाइन से शुरू करते हैं। आरेवा अमेरिकानो गाको देस, कोरेवा यानसानो काबान देस, कोरेवा वाताशिनो पासोकोन देस, आरेवा रीसानो देवा देस, सोरेवा किमुरा सानो सेकी देस। चलिए पहले इतने तक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए कोरे और सोरे ये तो आपको पता ही हो गया होगा, दिस और दैट। आरे को भी हम दैट ही करेंगे क्योंकि इंग्लिश में ये दो ही एक्सप्रेशन होते हैं। आरे का मतलब होता है ये लिसनर स्पीकर दोनों से ही बहुत दूर है। आरेवा निहोनो कामेरा देस, कामेरा का मतलब होता है कैमरा, तो ये मतलब वो जापान का कैमरा है। इसी तरह से वो अमेरिका का स्कूल है। कोरेवा यानसानो काबान देस, दिस इज यानसान्स बैग, क्योंकि कोरे आ गया तो यानी कि यह है दिस। इसी तरह से इन सेंटेंसेस को रीड करके, देखिए रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है आलस में, यानी कि हम बोलते नहीं है इन चीजों को, हम इन चीजों को अपने मुंह से नहीं बोलते। एक बार हमें समझ आ गया तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपकी आगे की प्रैक्टिस भी बहुत ही तेजी से, आप एडवांस चीजें भी बहुत तेजी से आएंगी अगर आप इनको अपने मुंह से बार बार बोलेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट आरे सॉरी कोरे सोरे और आरे का। जैसे लास्ट के सेंटेंसेस रह गए तो इनको भी एक बार रीड करते हैं। दसवें सेंटेंस से देखते हैं। आरेवा निहोनो शिम्बुन देस, यानी कि ये हमसे बहुत दूर है और ये है निहोनो शिम्बुन, यानी कि जापान का न्यूज़पेपर। कोरेवा वाताशिनो शिगोतो देस, यह मेरा काम है। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आरेवा वाताशिनो काइशानो बिरु देस, आरे मतलब वो जो बहुत दूर है, वाताशिनो मतलब मेरी, काइशा का मतलब होता है बिल्डिंग सॉरी कंपनी, और बिरु का मतलब होता है बिल्डिंग, तो वह मेरी कंपनी की बिल्डिंग है। तो
तो इस तरह से ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कोरे सोरे और आरे का। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है वो है जो हमें आज सीखना है, वो है कोरे और कोनो में डिफरेंस। देखिए अगर हिंदी में बोले तो दोनों का ही जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है यह है, कोरे और कोनो इन दोनों का जो ट्रांसलेशन है वो है यह है। लेकिन जिन लोगों ने नो पार्टिकल सीखा हुआ है, जैसे वाताशिनो होन मेरी बुक, वाताशिनो काबान मेरा बैग, तो उस नो पार्टिकल पर ध्यान दीजिए, कोरे की जगह बन गया कोनो, तो अब वो बन गया यह वाला। यानी कि पहले सेंटेंस को अगर हम इस तरह से ट्रांसलेट, दोनों को देखिए, दोनों का मीनिंग एक ही है, लिखा हुआ है कोरे वा ताकाई कुरुमा देस, यह महंगी कार है। अब अगर इसको हमने कोनो कुरुमा वा ताकाई देस इस तरह से लिख दिया तो इसका मतलब बन जाएगा यह कार महंगी है। एक बार मैं फिर से सुनाना चाहता हूं, यह महंगी कार है, यह कार महंगी है। तो जिस तरह से हिंदी के इन दो सेंटेंसेस में मीनिंग तो एक ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वही बिल्कुल सेम डिफरेंस कोरे और कोनो में होता है। अब आगे जाके आप उसको सोरे और सोनो, आरे आनो इस तरह से बड़े आराम से इसी स्केल से इसी फ्रेम से सीख सकते हैं। एक बार मैं फिर से, अगर अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक और एग्जाम्पल देके, पहले हम ये देखते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। अ सेंटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वेरियस वेज, कोरे सोरे आरे यूजुअली टेक वा पार्टिकल। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको हेल्प मिलेगी। कोरे सोरे जो है वो वा पार्टिकल लेते हैं और जो कोनो सोनो होता है वो हमेशा अपने सामने नाउन लेता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यह कार महंगी है तो कोनो आएगा, यह कार, अचानक ही हमने कार की ही बात करी है। अगर हम कोरे की बात करें, कोरे वा ताकाई कुरुमा देस, यह महंगी कार है, तो यह का मतलब है कि कोरे का मतलब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब यह जो चीज है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो भी चीज है, जो भी नाउन है, उसके बारे में यही एक्सप्लेनेशन है। और कोनो के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, कोनो कुरुमा, यह कार महंगी है, तो ये कार हमने ऑलरेडी बोल दिया है, अब इसके बारे में कुछ अलग से बात बता रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड सेंटेंस देखिए, सोरे वा ओमोशिरोई होन देस, बिल्कुल मिलता जुलता सेंटेंस है। इसको अगर हम हिंदी में करेंगे तो वह इंटरेस्टिंग बुक है, वह बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अब इसको हमने कर दिया सोनो होन वा ओमोशिरोई देस, वह बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हिंदी में मैं दोबारा बताता हूँ, हिंदी में जो दो सेंटेंसेस है, वह इंटरेस्टिंग बुक है और वह बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये जो हल्का सा जो डिफरेंस है, सिर्फ स्ट्रेस देने का कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि नाउन को हमने पहले ही अपने पास रख लिया और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस के बारे में ना सोच के आप बस दोनों सेंटेंस का ये मीनिंग है, मीनिंग के साथ चलेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मीनिंग को हमेशा साथ में रख के हम आगे 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 बढ़ते रहें तो एडवांस तक जाते जाते, जैसे N5 या N4 तक कंप्लीट करते करते ये डिफरेंस कोई प्रॉब्लम करता ही नहीं है। स्टूडेंट्स को इस बात पर ध्यान आता ही नहीं है कि इसमें ये डिफरेंस है, मुझे अभी ये बोलना है, अभी आगे बोलना है। बात सारी प्रैक्टिस की होती है, बात सारी रिपीटिशन की होती है। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटेंसेज दिए हुए हैं, उन सातों का दूसरा फॉर्म दिया हुआ है, तो इन सातों को ही आप बार 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 बोलो, सिर्फ एक या दो दिन में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो में भी इसको रीड कर सकते हैं, जिन लोगों को रीड करना भी उतना नहीं आता है तो आप ध्यान से सुन के मेरे पीछे बोल सकते हैं, कोरे वा ताकाई कुरुमा देस, कोनो कुरुमा वा ताकाई देस, सोरे वा ओमोशिरोई होन देस, सोनो होन वा ओमोशिरोई देस, कोरे वा तनाका सान नो सेकी देस, कोनो सेकी वा तनाका सान नो देस, आरे वा निहोंगो नो शिम्बुन देस, आनो शिम्बुन वा निहोंगो नो देस, कोरे वा वाताशिनो शिगोतो देस, कोनो शिगोतो वा वाताशिनो देस, कोरे वा तोतेमो ताकाई बीरु देसने, कोनो बीरु वा तोतेमो ताकाई देसने, कोरे वा निहोन्नो कामेरा देस, कोनो कामेरा वा निहोन्नो देस। तो देखिए बोलते बोलते ही आपको ये काफी कुछ याद करवा देगा। आई थिंक इसमें आपको लास्ट के सेंटेंसेस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सेकी का मतलब होता है सीट, कोरेवा तनाका सान नो सेकी देस, ये तनाका सान की सीट है। अब इसकी दूसरी फॉर्म में हमने बोला है कोनो सेकी वा तनाका सान नो देस, यानी कि ये सीट तनाका सान की है। तो कोरेवा में हम बोल रहे हैं कि पूरा पूरा जो आगे का जो ऑब्जेक्ट है ये, इसके बारे में पूरी बात बता रहा हूँ, और कोनो में हम बोल रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में ये स्पेशल बात है।
सिमिलरली लास्ट का जो सेंटेंस है उसको अगर हम देखें, कोरे वा निहोन नो कामेरा देस, बड़ा आसान है, यह जापान का कैमरा है। कोनो कामेरा वा निहोन नो देस, ये कैमरा जापान का है। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमें कॉल करके या फिर हमारी साइट पर जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉन्वर्जेशन की। इस चीज को हम एक कॉन्वर्जेशन से सीखेंगे। सुमिमा सेन वाताशी नो फाइल वा दोको देस का, एक्सक्यूज मी वेर इज माई फाइल, आनो फाइल वा कुरुमानो नाको देस। यहाँ पर आनो इसलिए आया है क्योंकि वह फाइल, क्योंकि अब हम फाइल की तो बात उठ चुकी है, तो जो यमादा ने पूछा है तो तनाका सान जो है वो ये बोल रहे हैं कि वो जो फाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसको एक ही ऑब्जेक्ट बना के उसके बारे में क्या स्पेशल बात बता रहे हैं, कुरुमानो नाका देस, वो कार के अंदर है। नाका का मतलब होता है इनसाइड, अंदर। अरिगातो गोजाइमास। एक और कॉन्वर्सेशन है आनो तकाई बिरुवा नानदेस का, वह टॉल बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखिए आनो तकाई क्यों आया है, क्योंकि आरे वा तकाई नहीं होता, क्योंकि वो तब होगा जब हम कहेंगे वो एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग है। आनो बीरू का मतलब है कि वो हाई राइज बिल्डिंग जो है उसके बारे में कुछ नई बात पूछना चाह रहा है या फिर बताना चाहता है। तो तनाका सान ने भी वही बताया, आरेवा स्काई ट्री दिस, वह बिल्डिंग जो है वो स्काई ट्री है। सो दिस का सोनो कुरुमावा दारेनो दिस का। अब यहां पर सोनो इसलिए आया है क्योंकि वो कार को ऑलरेडी एक वो मान चुका है कि भाई इस कार के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूं, तो ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट से वो स्टार्ट कर रहा है। सोरे वा वाताशिनो कुरुमा देस, तो यहां पर सोरे इसलिए आया है क्योंकि ऐसे ही बोल सकता था सोनो कुरुमा वा वाताशिनो देस, वो कार मेरी है, लेकिन वही सेम ही मीनिंग है, सोरे वा वह मेरी कार है, तो बस मीनिंग सेम है, बोलने का बस डिफरेंस होता है। और वकारी माश्ता का मतलब होता है आई गॉट इट या आई अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में और भी चीजें पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं उससे आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को रिपीट करके दो या तीन बार अगर देख के एग्जांपल्स को समझ के उसको इसी तरह से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो 100% डेफिनेटली आपको इन सिंपल कॉन्सेप्ट्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, अगर एक स्टूडेंट इंस्टीट्यूट जाके पढ़ता है तो भी उसका सिर्फ यही शुरू का एक दो एग्जांपल या फिर इंट्रोडक्शन ही पढ़ा के आगे की स्टडी को कंटिन्यू किया जाता है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। तो आप उसको भी जारी रखिए, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आप इन वीडियोस से भी आप हमसे पूछ भी सकते हैं और हमारे सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इसी तरह से एडवांस पैटर्न्स को कंपेयर करके दिखाऊँ। So keep watching YouTube channel Nihongomax. Thank you so much.